पार्टी थाना अंतर्गत आने वाले भवानी नगर पूनापुर में एक नाबालिग लड़की की अस्मत लुटे जाने का मामला सामने आया है। पार्टी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, आगे की जांच जारी है। आए दिन प्रेम संबंधों को लेकर लड़कियों की अस्मत लूटे जाने के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। ऐसी ही घटना पार्टी पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाली भवानी नगर पूनापुर परिसर में हुई है, जहां एक 19 वर्षीय लड़की का उसी के पड़ोस में रहने वाले एक शादीशुदा आदमी से प्रेम संबंध थे। कुछ दिनों के लिए प्रेमी की पत्नी अपने मायके गई थी। इसी बात का गैर फायदा उठाते हुए प्रेमी व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाली लड़की को घर बुलाया। जब लड़की आरोपी के घर गई तो उसने लड़की की अस्मत लूट ली। किसी को बताया तो तेरे माँ बाप को जान से मार दूंगा कहते हुए उसे डराया धमकाया और जब जब मौका मिले तब तब लड़की की अस्मत लूटते रहा। इसी दौरान लड़की प्रेग्नेंट हुई। जब इसका पता आरोपी को पता चला तो उसने गर्भ गिराने के लिए पावरफुल गोलियां लड़की को दी। पावरफुल गोलियों का सेवन करने से लड़की को ब्लडिंग हुई। लड़की की बिगड़ती हालत को देखते हुए लड़की की मां ने उससे पूछताछ की तो लड़की ने पूरी आपत्ति मां को बताई। लड़की की मां आरोपी से मिली और पूछना चाहा तो आरोपी अमोल ठाकरे ने बद्दी बद्दी गालियां देकर लड़की की मां को बेरंग लौटाया, जिसके बाद पीड़ित लड़की और उसकी मां ने पार्टी थाने में अस्मत लुटे जाने की शिकायत दर्ज कराई। पार्टी पुलिस ने आरोपी अमोल ठाकरे को थर दबोच कर गिरफ्तार किया है। पार्टी पुलिस ने भारतीय दंड विधान के तहत धारा 376, 294, 506 बी लगाकर आगे की जांच करी है। इस घटना के बारे में पार्टी के थानेदार सुनील गांगोटे इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। भवानी नगर गोलेश्वर सोसाइटी है, सोनापुर रोड है। एक 19 साल की लड़की है, उसको जो आरोपी है, आरोपी का नाम है अमोल श्यामराव ठाकरे, 31 साल, वो घर के बाजू में रहता है। उसके बाजू में रहने के बाद उस पर ये लड़की पर नज़र ही थी। जब उसकी शादीशुदा है, बच्चे भी है उसे, लेकिन जब उसकी बीवी गांव को गई और ये लड़की के माँ बाप और भाई मजदूरी करने अपने पार्टी के इधर जाते हैं, घर में वो अकेली रहती है, तो पहली बार उसने बुलाया, उससे कुछ शारीरिक करने की कोशिश की। बाद में वो बुलाते गया दोपहर को, जब घर पे कोई नहीं रहता था, और जबरी संभोग किया और ये भी बताया कि अगर किसी को बताया तो तेरे माँ को तुझे मार दूंगा, इसी वजह से उसने किसी को बताया। बाद में वो बिहार अपने गांव चली गई एक महीने के लिए। उधर से जब उधर ही उसको तकलीफ हो गई, वो गुमसुम रहने लगी। माँ ने पूछा क्या हो गया, तो उसने हिम्मत करके बताया ये जो लड़का है अमोल ठाकरे कर, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती संभोग किया है और करने के बाद मुझे गोली खाने के लिए दी और वो गोली खाने की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है और खून निकल रहा है। तो माँ ने देखा कि ऐसा ये तो बहुत बढ़ रहा है, वो आरोपी को बुलाया, उससे बातचीत की कि क्या हो गया। उसने बोला मैं कुछ पैसे देता हूँ, 5,000 रुपये दिया और किसी को बताना नहीं, और किसी को बताया तो तुमको मारूंगा, ऐसी धमकी दे दी। वो घबरा गए। उसके बाद उन्होंने अपने लड़की ने अपने पिताजी और भाई को भी बताया और वो कल थाने में आ गए थे। थाने आने के बाद उसके ऊपर आरोपी के खिलाफ हमने बलात्कार का गुनाह दाखिल किया है और उसको अटक किया है। और ये ऐसा कितने उसको अभी पेश करेंगे, PCR लेंगे, क्या क्या किया है, जबरन वो कुछ कल उसके घर पे बंदोबस्त भी लगाया है, वो लड़की की मेडिकल के लिए भेजा है, क्या रिपोर्ट आती है, उसके बावजूद हम उसके ऊपर कार्रवाई करें। प्रेम संबंध को लेकर इस प्रकार की घटना की रोकथाम करने के लिए पुलिस प्रशासन का काम काफी सराहनीय हो रहा है। पार्डी थाने से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मिरे की रिपोर्ट।